देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ईडी और बाकी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर अपने जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको घेरे में लेती हैं, आम आदमी पार्टी के खुद के लीडर्स मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, उनको जेल में डाला हुआ है बेबुनियाद आरोपों पर। वही अगर मॉडल कॉपी करने लग गए हर राज्य, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जो राज्य के हाथ में एजेंसीज हैं उसका भी अगर इस तरीके का इस्तेमाल होने लगा ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए, ये गलत है। तो मैं मानती हूं इस पे तुरंत अगर किसी तरीके के आरोप लगे हैं तो उसको सिद्ध कर जो निर्णय लेना है, कार्रवाई करनी है। पर अगर बगैर सिद्ध किए एविडेंस बेस्ड अरेस्ट नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, लेकिन पंजाब पुलिस ने इस मामले में अरेस्ट किया, जो हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वही मैं कहूंगी कि जो खुद भुक्त भोगी हो दिल्ली में, उनके सीनियर लीडरशिप अगर ईडी के दायरे में आकर अरेस्ट किया गया हो और उनका बेल उनको डिनाई किया जा रहा हो, वही अगर सेम मॉडल अपनाने लग गए, बीजेपी मॉडल अपनाने लग गए दूसरे राज्यों में और अपने खुद के राज्य में जहां पे वो शासन है उनका, तो ये गलत मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है। और कहीं ना कहीं जो स्पिरिट है, जो अलायंस का स्पिरिट बन रहा है इंडिया अलायंस के स्वरूप में, वो उसको ठेस पहुंचाता है। तो ये अगर गलत कार्रवाई हो रही है तो उसपे संज्ञान चीफ मिनिस्टर को लेकर उस पर रोक लगाना चाहिए। मैम, जिस तरह से आपने कहा इंडियन अलायंस की बात की, बैठक भी हुई, क्या कहीं ना कहीं अलायंस में इसका साफ साफ असर दिखे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से आपस में लड़ चुकी है? नहीं, देखिए, तीन बैठक हो चुकी हैं और साथ ही साथ ग्रुप्स भी बन चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन चुकी है। तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जो भी वाद विवाद होंगे वो संवाद के माध्यम से उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह जो मॉडल है कि सिर्फ 38 अलायंस में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं, ये उस तरीके का अलायंस नहीं है। ये अलायंस में कहीं अगर गलतियां होंगी, गलतियों को सुधार किया जाएगा, अगर कहीं कमी होगी कमी में सुधार लाया जाएगा, पर आपसी संवाद कर विवाद कर नहीं। तो मैं ये मान के चले अलायंस में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फूट नहीं होगी? नहीं, जो इंडिया अलायंस बनकर आया है वो ऑल ओवर द कंट्री का बनकर आया, राज्य में अपनी अपनी राजनीतियां हैं, कमियां हैं, अलायंसेज नहीं भी हैं। आज तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, पर क्योंकि इंडिया अलायंस में सब मेंबर्स हैं तो उसका बातचीत कर लोकसभा चुनाव में कैसे आगे की रणनीति होगी वो निर्णय लेंगे। तो कोई इसमें विवाद नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और इस संवाद के माध्यम से इसका निष्कर्ष निकलेगा। मैम, सेम इन इंग्लिश, पंजाब पुलिस इन ड्रग्स केस व्हिच वाज केस रेसेंट 2015, आई थिंक इट इज एन अनफॉर्चुनेट अरेस्ट एंड considering that it is Aam Aadmi Party's government in Punjab and they themselves have been victims of how BJP has centralized power and undermined various agencies like ED, CBI, IT, and two of their senior leaders are already under arrest due to these charges which are not substantiated, to use the same model in the state for its own alliance partner, I think would be an unfortunate step to take, and they should realize that if it is backed by evidence, then there is every reason to do this. But if it's not backed by evidence and it's political vendetta, then I think the chief minister should do course correction. Ma'am, action has been taken by the Punjab police, and Punjab police is came under the Punjab government. In Punjab, Aam Aadmi Party Sarkar is going on. In your alliance, Aam Aadmi Party political parties are also there. So it will affect the alliance party which was going from last month to against the Narendra Modi? See, we've had three meetings and we've also formed committees which will resolve any kind of disputes that happen. We must understand that Aam Aadmi Party and Congress are not in a formal alliance right now. They are part of the India alliance, where everybody has come together with the idea of safeguarding constitutional values as well as democratic principles of this nation. Anyone working against that spirit, we would have to course correct it. However, it will not impact the alliance. Congress party has categorically expressed its stance. Aam Aadmi Party will get back on why this has happened. If it's evidence backed, obviously whatever action needs to be taken. If it is without an evidence, then the chief minister would course correct. However, unlike the Bharatiya Janata Party, where it is in an alliance with 38 minus 1, because AIADMK has got out of it and many more will leave that alliance, unlike them, where only two people speak, which is Amit Shah ji and Narendra Modi ji, here we have a democratic alliance which can course correct,
which can figure out what is the right way forward and also openly have a discussion on issues that could be problematic or controversial. But like this, ma'am, Ahmadi Party and Congress also is aligned with you, but they are doing like they are fighting with each other. It will benefit the BJP in upcoming elections, the way the inclusion in Punjab only. No, there's going to be no benefit for the BJP. Simply because people of the country have seen the kind of hateful politics of the BJP, how they have undermined various procedures, various norms, and undermined the parliamentary democracy as well, the elected democracy that we see, how it continues to bring down governments by the misuse of power, misuse of money. So all of this, and people's issues, now look at people's issues. There is record-break inflation, there's a record-break unemployment, the farmers are unhappy, the women are unsafe. Look at what happened in Ujjain. That just goes to show that this is an insensitive government which does not care about the people of this country. So they're watching it and they will give them a fitting reply in the 24 elections. Ma'am, baat karte Madhya Pradesh ki, jahan pe Ujjain mein mamla samne aaya, halanki police ne RP ko giraftar kar liya, RP ko kuch chhutti nahi, usko detain hospital mein rakha. Is puri ghatna ko Madhya Pradesh mein kis tarah dekh rahe hain, minor bachchi ja rahe hain? Dekhiye, mamla sirf ek rape ka nahi hai. मामला जिस तरीके से इंसानियत खत्म हो रही है लोगों में वो दिखाता है. 12 साल की बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध होता है. वो 2 घंटे तक मदद मांगती रहती है, उसको कोई घर वाले मदद नहीं करते हैं, फिर एक मंदिर के पुजारी उनकी मदद करते हैं. वो क्या दिखाता है कि आज हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं, इनह्यूमन हो गए हैं कि सामने एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, हम मदद करने नहीं आ रहे हैं. तो ये वही एक, मैं कहती हूँ, ये प्रणाम होता है जब एक महिला के अस्मिता की लड़ाई के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाती है, तो जनता में भी यही फीलिंग होती है कि हम क्यों आगे बढ़े. तो पहले तो बात वो रही, बात अरेस्ट हो गए, अरेस्ट किया गया है, वो अरेस्ट हुए हैं जब इस तरीके का आउटरेज हुआ है. और ये अपराध तो मैं कहती हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए. और मध्य प्रदेश में तो खास कर मैंने वहां पे काम किया हुआ है, मैं कह सकती हूँ जो महिलाओं के खिलाफ काम होते हैं, महिलाओं पे अपराध होते हैं, उत्पीड़न होता है, उससे बड़ा राज्य देश में नहीं है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए जिसने एक 12 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध किया हो. मैम, सेम इंग्लिश, इन मध्य प्रदेश अ माइनर गर्ल हैज बीन रेप्ड एंड अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, सो हाउ लुक द ओवरऑल डिसीजन हैज बीन टेकन इन मध्य प्रदेश इन जेल. सो फर्स्टली इट इज नॉट जस्ट अबाउट द यू नो द क्राइम दैट हैज बीन कमिटेड, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट क्राइम, इट इज इमोरल एंड मोर ओवर इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ I would say crime that has been witnessed in India currently. But what upsets me and what hurts me more is the inhuman treatment given to the child who was asking for help for over 2 hours and nobody came forward to help her. What does it speak of our insensitive nature that has percolated around the society? And this is a direct consequence of a government at the center and the state which totally disregards women's safety, women's security. While they talk big on Mahila Samman, they have done nothing to make the women of this country feel safer. It is unfortunate and I would say this case needs to be fast-tracked. It needs to ensure the highest punishment that is possible for the accused and ensure that the girl gets justice. And somewhere down the line, we need to understand how we have turned out to be as a society, how insensitive and inhuman we've become. Ma'am, baat karte hain Delhi ki, jis tarah Arvind Kejriwal ki baat kare, ab unke jo ghar ka mamla tha renovation ka, construction ka, ab CBI usme enter ho chuki hai. Puri ghatna mein aap kis tarah dekh rahe hain? CBI is mamle ki jaanch ke jo construction overall karodon ka unhone apne ghar mein karaya. Main ek cheez kahungi ki inke paas sirf 37 dalon ka alliance nahi hai, इनके साथ 3 दल और हैं. दल नहीं कहूंगी, राजनीतिक भले ही ना हो, वो एक इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी जो भारतीय जनता पार्टी के सेवा में लग गई हैं. वो कौन सी हैं? ईडी है, सीबीआई है, आईटी है. तो यही हो गया है. तो इनके इलेक्शन टूलकिट में ये 3 हैं. तो जो भी विपक्षी दल नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाइए, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाइए, जो सिद्ध नहीं हो सकते, साबित नहीं हो सकते हैं, वो आरोप लगाइए, फिर उनके लिए पूरी लीगल प्रक्रिया शुरू कर दीजिए. ये कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है. और आपने सीबीआई को छोड़ा है, पहले ईडी की शुरुआत की,
तो ये मैं कहूंगी उनका इलेक्शन टूल किट है, शर्मनाक है कि एजेंसीज इतनी आज देश में अंडरमाइन हो गई हैं। मैम क्या ये मान के चले कि विपक्ष को दबाने के लिए इस तरह का सरकार जो अपना बिल्कुल मैंने आपको क्लियरली कह दिया है कि ये इनके इलेक्शन कैंपेन के एलाइज हैं। 37 अलायंस है माइनस AIDMK प्लस ED IT CBI। और समय आते आते मैं आपको ये भी बता दूं 2024 में जब हमारी सरकार आएगी हम फिर से इनका जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई है उनको जिस तरीके से अंडरमाइन किया गया है, जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उनको फिर से इंडिपेंडेंट बनाने का काम करेंगे जहां किसी के लिए डर नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो और वो अपनी कार्रवाई कर पाए। पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की बात है, क्या हमें ये कबूल है कि हमारी सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज आज सरकार के काम में लग गई हैं। मैम इन इंग्लिश आफ्टर द पंजाब एंड पंजाब द वे द पॉलिटिकल हैपनिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन दिल्ली आल्सो द सीएम ऑफ पंजाब दिल्ली अरविंद केजरीवाल सीबीआई हैज रेज्ड क्रिमिनल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन सो हाउ इज दिस सो ऑल आई से इज एनडीए इज नॉट जस्ट ऑफ द 37 एलाइज माइनस AIDMK प्लस सीबीआई ED IT दे मे नॉट बी पोलिटिकल पार्टीज बट दे हैव बिकम विलिंग टूल किट election toolkit of the Bharatiya Janata Party. It is unfortunate how these agencies have been undermined and used to attack the opposition but do nothing with regards to the corruption charges that Bharatiya Janata Party has been accused of. Whether we look at the Benami transactions that have happened through shell companies from Mauritius into the stock exchange, nothing has happened on that front. So it just goes to show that this entire machinery has been weaponized against the opposition and it's unfortunate for a nation that we don't have independent credible agencies left anymore. Ma'am, baat karte hain. मैम बात करते हैं फिल्म जगत की, जिस तरह से मार्क एंथनी जो फिल्म के एक्टर हैं विशाल, उन्होंने ट्वीट करके CBFC के ऊपर बात करी, 6 लाख का करप्शन का आरोप लगा उनकी फिल्म को पास नहीं किया। और उन्होंने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया है, उन्होंने एविडेंस दिखाया है कौन से अकाउंट में ये ट्रांसफर हुआ है, किस इंसान को दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या उन्होंने इस ट्वीट का जवाब भी दिया है, क्या वो उन लोगों को सैक करेंगे, क्या CBFC का पुनर्गठन होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, पर इन्हीं के 9.5 साल के कार्यकाल में हम देख रहे हैं किस तरीके से तो इंडस्ट्रियलिस्ट के NPAs माफ हो गए, बैंक लोन्स कर्ज माफ हो गए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना बढ़ाया है कि वो वर्ल्ड के 3rd richest आदमी हो गए, और आज CBFC खुलेआम रिश्वत ले रहा है, घूसखोरी चल रही है, आपके नाक के अंदर चल रही है और आप किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये शर्मनाक है और दिखाता है ये जो झूठ का पुलिंदा इन्होंने बांधा हुआ है कि इनके आने के बाद भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो झूठ को उजागर करता है और सच्चाई देश के सामने लाता है। मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से कहूंगी, रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, बताइए आपका क्या उसमें रोल है। मैं किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह से ट्वीट करना वो भी पूरा सबूत के साथ। सबसे पहले तो इमीडिएट सैकिंग होनी चाहिए, इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है जब वो सामने से पब्लिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये कहा है। दूसरा, इसका पुनर्गठन होना चाहिए CBFC का, उसको जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चल रही है, मनमानी का काम चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप केंद्र में आपने जिम्मेदारी ली है CBFC की, तो द बक स्टॉप्स एट द बॉस, तो बॉस को भी किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हो क्या रहा था इन्हीं के मंत्रालय के अंदर। तो ये सारी चर्चा का विषय है और कार्रवाई होनी चाहिए। साउथ इंडियन एक्टर ही हैज मेड एलिगेशन अगेंस्ट CBFC लाइक 6 लाख ब्राइब बीन टेकन, करप्शन बीन टेकन बाय, इट इज जस्ट सो अनफॉर्चुनेट। ही इज ऑल्सो बैक्ड इट विद एविडेंस व्हाइल नेमिंग द इंडिविजुअल ही इज पेड, ऑल्सो द बैंक अकाउंट डिटेल्स, एंड ही इज डन इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। If he would have lied, he could be sued for it. But he has the truth by his side. His truth has also exposed the BJP that here is a government which came on the back of making big promises like they will end corruption, zero tolerance to corruption, has become amongst the most corrupt parties and most corrupt government the country has ever seen. In the 9.5 years, we've seen how bank loans have been waived off for industrialists. We've seen how NPAs, the non-performing assets of various companies. आम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।